तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा जिले के हनुमना नगर पंचायत से बड़ी खबर आ रही है, जहां लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने निकले नगर पंचायत के कर्मचारियों सहित पुलिस के साथ झड़प हुई है। बताया गया है कि हनुमना थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के लिए व्यापारियों को समझाइश दे रहे थे। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा सब्जी की दुकान लगाने वाले युवक को डंडे से मार दिया, जिसके बाद उक्त युवक पुलिसकर्मी से लपट पड़ा और मौके पर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। तो यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं रीवा जिले के हनुमना कस्बे से, जहां पुलिसकर्मी और व्यापारियों के बीच में झड़प हुई है। इस दौरान मौके पर हनुमना थाना प्रभारी सहित नगर पंचायत के सीमो और पूरा अमला मौजूद था। बताया गया है कि शुक्रवार को हनुमना कस्बे में सब्जी की मंडी लगती है। इस दौरान आसपास के कस्बों से लोग सब्जी की खरीदारी करने आते हैं। इस दौरान यहां पर नगर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भारी लापरवाही देखने को मिली है। पूरे कस्बे में बाजार खुला हुआ था और लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से चालू था। बताया गया है कि शुक्रवार की दोपहर लगभग 12 बजे नगर पंचायत के सीएमओ केएन सिंह अपने कर्मचारियों के साथ और पुलिस बल के साथ हनुमना नगर पंचायत में लगी दुकानों को हटवा रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे थे। इसी दौरान एक युवक को आरक्षक ने डंडे से मार दिया, जिसके बाद उक्त युवक पुलिसकर्मी से लपट पड़ा। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई और फिर बाद में मामले को शांत कराया गया। तो यह सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हनुमना नगर पंचायत से, जहां लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंची पुलिस और दुकान संचालकों के बीच में झड़प हुई है।